पंचायत नरवर में विधायक रामलाल मालवीय के द्वारा गौशाला का लोकार्पण किया गया। गौशाला की स्वीकृति कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा मध्य प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में गौशाला की स्वीकृति की गई थी, जिनका निर्माण कार्य अब जाकर पूरा हुआ है। इसी के तहत आज ग्राम पंचायत नरवर में क्षेत्रीय विधायक रामलाल मालवीय के द्वारा लोकार्पण किया गया एवं कहा गया कि यह गौशाला शासन के द्वारा ग्रामीण जनों को एक सौगात के रूप में प्रदान की गई है। इसकी देखरेख एवं रखरखाव की जिम्मेदारी और गायों की देखरेख ग्रामीण जन को भी करना है। अब आप लोगों को ही इसकी सारी जिम्मेदारियां लेना पड़ेगी। विधायक के द्वारा गाय की पूजा भी की गई और गाय को चारा भी डाला गया। गौशाला में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एवं आम नागरिकों के द्वारा गायों के लिए भूसा एवं चारे की व्यवस्था भी की गई। कार्यक्रम में ग्रामीण जन एवं आसपास के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एवं जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत के अधिकारी उपस्थित रहे। इस प्रकार का लोकार्पण आपके द्वारा किया गया। ग्राम पंचायत नरवर में हम लोगों ने जिस प्रकार पिछले वर्ष गौशाला का भूमि पूजन किया था, आज वो गौशाला बनकर तैयार हो गई है। हमने अभी हमारे सारे जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर गौशाला का उद्घाटन किया है और आज से हम लोगों ने यहाँ गाय का पूजन करके गाय को रखने का भी विधिवत शुभारंभ कर दिया है। जिस प्रकार की मंशा पिछली बार पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौशाला खोलने का सपना देखा था, उसको उन्होंने पहले वर्ष में 1000 गौशाला बनकर तैयार हुई, वो खुल के आज प्रारंभ हो गई है। आने वाले समय में भी हम सरकार से एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, क्षेत्र के विधायक होने के नाते हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से और आग्रह करेंगे कि इस योजना में प्रत्येक जो ग्राम पंचायतें बची उनमें भी गौशालाएँ नए रूप से आगे आने स्वीकृति मिले, ताकि हम लोग जो गौशाला की गौ माताओं की सेवा कर सकें और गौ नस्ल को बचाया जा सके।